हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक फिटिंग टूल्स एनविल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए कि एनविल है, फिगर है एक एनविल का। इसका पार्ट्स और फंक्शन क्या क्या है, इसमें क्यों यूज किया जाता है एनविल फिटिंग टूल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। ये हो गया एनविल। ये देखिए, ये बेस है, ये हाड़ी होल है, एक राउंड होल है उसको हाड़ी होल बोलते हैं, एक पिच होल है, स्क्वायर होल। इसका ऊपर जो स्ट्राइक करते हैं ये फेस में, इसको फेस बोलते हैं। इसका ऊपर टोटली जो सरफेस है उसका ऊपर रख के, ब्लैक स्मिथ में भी यूज किया जाता है, उसके ऊपर रख के कुछ स्ट्राइक करके कुछ शेप बनाने के लिए। स्टेप है, इधर से थोड़ा डाउन किया गया है स्टेप। ये हॉर्न की तरह बना गया है, जो पशु का सींग रहता है तो स्विंग सींग की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम है हॉर्न। ये राउंड एड्स, ये जो एड्स है थोड़ा राउंडेड है, कर्नर नहीं है। ये यहाँ पे कर्नर है, यहाँ पे कर्नर है, यानी थोड़ा राउंडेड किया गया है। ये हो गया एनविल। फिटिंग टूल का एक अहम टूल है, इसके ऊपर रख के कुछ स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके ऊपर रख के कुछ हार्ड मेटल से या इसके ऊपर रख के स्ट्राइक करते हैं। और इसके ऊपर रख के कुछ बेंड करने के लिए यूज किया जाता है, सर्कुलर बेंड करने के लिए। इधर सपोज ब्लैक स्मिथ में एक राउंडेड कुछ बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, इस साइड में बेंड फोल्ड करने के लिए, इधर भी फोल्ड करने के लिए, इधर कटिंग करने के लिए कुछ शार्प एज जैसे रहता है, इसको यूज कर सकते हैं हम। ये देखिए कि एनविल है, इसका ऊपर रख के स्ट्राइक करके जो डिजाइनिंग शेप है, स्क्वायर शेप का एक होल है और एक राउंड शेप का होल है, इधर जो है बेंडिंग के लिए बेंड कर सकते हैं, इसमें इधर फोल्ड करने के लिए, इधर स्ट्राइक करने के लिए ब्लैक स्मिथ में ये यूज किया जाता है।